ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़ी 10 अनसुनी बातें। दोस्तों, केदारनाथ एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहराई से जानना चाहता है। आजकल इस मंदिर की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि हर कोई केदारनाथ अपने लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस मंदिर को इतनी लोकप्रिय बनाती है, इसलिए आज मैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रोचक बातें आपके साथ साझा करूंगा, जिन्हें जानकर आप केदारनाथ जाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े अनसुने पहलू। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा और पहला रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित ना होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है, जिसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिसके कारण वह भाग वही रह जाता है। बैल के चार भाग चार अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं और इन्हीं पांचों स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, केदारनाथ मंदिर पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। इसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में भी सम्मिलित हो गया। नंबर 3, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। आते हैं नंबर 4, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक खुली होती है। मई के पहला हफ्ता या अप्रैल महीने के अंतिम हफ्ता में खोल दिया जाता है। दरअसल इस मंदिर के खुलने की आधिकारिक घोषणा महाशिवरात्रि के दिन बद्री केदार समिति के द्वारा किया जाता है। यह मंदिर दीपावली के बाद भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त पर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, वह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। नंबर 5, केदारनाथ के मुख्य मंदिर से 500 मीटर पर श्री भैरवनाथ मंदिर है। भैरवनाथ को इश बाबा केदारनाथ का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है, वह अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। नंबर 6, दोस्तों, बाबा केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी रोचक बातें यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक है। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक
छोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग अखंड ज्योत बोलते हैं। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए, तब भी यहाँ अखंड ज्योत जल रही थी। 7, 7वां अनसुनी बातें, वहाँ की भीमशिला। दोस्तों 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान की बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकरा कर 2 भागों में बट गया, वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व में ने देखा है। 8, केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढक रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। चलिए 9वें नंबर पे आते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि यहाँ के पुजारी सर्दियों में, सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। 10, पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलने से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये एक रहस्य बनकर रह जाएगा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलता रहे और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।